दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार सारे विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को जायज फंड नहीं दे रही है, जो उनका हक है। उपराज्यपाल और राज्यपाल के जरिए उनके कार्य में रोज टांग अड़ाती है और विपक्ष को पकड़ा जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। अगर केरल के लोगों को उनके हक का फंड नहीं मिलेगा तो काम और सरकार कैसे चलेगी। हम सब अपनी जनता के हक के लिए फंड लेने आए हुए हैं। हमें फंड नहीं मिलेगा तो हम विकास कैसे करेंगे। अपना सारा कामकाज छोड़ के केरला से दिल्ली यहाँ पे धरना करने के लिए आना पड़ा केंद्र सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ। मैं समझ रहा हूं ये भी इस देश को ये दिन भी देखना था। आज लगभग आधे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं और आधे राज्यों के अंदर उन लोगों की सरकारें हैं। जो विपक्ष की सरकारें हैं आधे राज्यों के अंदर, तो लगभग 70 करोड़ लोगों को ये विपक्ष की सरकारें रिप्रेजेंट करती हैं। 70 करोड़ लोगों को, आधे देश को। और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या ये सारे पराये हैं? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? यहाँ के 70 करोड़ लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुन के सरकार बनाई। संविधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है। शिक्षा की पावर राज्य सरकारों की, स्वास्थ्य की पावर राज्य सरकारों के, संविधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है। आप हमें अपना काम ही नहीं करने देते। सारी विपक्ष की सरकारों को प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है। सबसे पहला, केंद्र सरकार जायज फंड, जो हक है राज्यों का, वो फंड नहीं दे रही है। दूसरा तरीका, गवर्नर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए रोज काम में टांग अड़ाती है, हर काम में टांग अड़ाती है। और तीसरा तरीका, एजेंसीज को छोड़ के जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूं। यहां पे पिनराई विजयन साहब बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और कई सारे राज्यों के मंत्रीगण आए हुए हैं। हम सारे रोज इस बात को झेल रहे हैं कि जो जायज फंड